आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 9 to 13। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इसी चैनल पे अपलोडेड है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 5/3 × −4 × 5/3 − 5 = 5/3 − 3x। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे 5/3 − 4 × 5/3 − 5 = 5/3 − 3x। यहाँ देखो ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 5/3 पावर ये दोनों है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर होता है प्लस, −4 + −5 = 5/3 · 3x। आगे 5/3 पावर क्या होगा, −4, प्लस और माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस जाएगा −9 = 5/3 · 3x। आगे 5/3 − 9 है = 5/3 − 3x। हम लोग को क्या करना है ना, कि देखना है कि इसके बराबर ये है या फिर नहीं, तो क्या करेंगे, LHS = RHS क्या होगा, 3x = −9, तो x = −9/3। उसके बाद x = ये दोनों कट जाएगा, 3 × 9 −3 हो जाएगा यहाँ पे, तो x = −3 और यहाँ पे हम लोग का क्या था, ये 3x, तो देयरफोर 3x = 3 × −3, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू −3 देन क्या हो जाएगा −9, तो ये सही है। हम लोग को देखना था कि इन दोनों का वैल्यू इसके बराबर आता है या नहीं, तो इसका वैल्यू इसके बराबर आया, सो LHS = RHS। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 4/9 · 4 × 4/9 − 7 = 4/9 · 2x − 1। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, सेम वही होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले 4/9 इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिए थे, देन 4/9 पावर हो जाएगा प्लस, तो 4 + −7 = 4/9 2x − 1। इसके बाद 4/9 क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस, तो 7 और 4 − 7 होगा तो −3 = 4/9 · 2x − 1। अब आगे, अब यहाँ पे देखना है ना कि इसके और इसके ये दोनों का वैल्यू सेम आता है नहीं, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है फिर नहीं, तो हम लोग फिर से उसी टाइप से करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, LHS = RHS, तो क्या होगा हमारा 2x − 1 = −3, तो 2x = −1 उधर चला जाएगा, देन −3 और −1 उधर जाएगा, तो क्या होगा +1 = 2x = − और प्लस देन माइनस, और यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़े वाले डिजिट में माइनस का साइन है, देन क्या होगा x = 2 इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन जाकर डिवाइड में क्या होगा यहाँ पे −1 x का वैल्यू, तो क्या होगा 2x − 1 था, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2 × −1 − 1, तो क्या होगा हमारा 2 − 2 − 1। क्वेश्चन नंबर 11 में है, बाय व्हाट नंबर शुड −6 be multiplied so that the product becomes 9 − 1। ठीक है, तो इसमें हमको क्वेश्चन में पूछा है ना कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मेरा ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसमें जो हम लोग जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसको ले लेंगे हम लोग x, क्या हो जाएगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, देयरफोर −6 · −1 × x = 9 − 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 1 − x, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में है तो हो जाता है 1/x × x = 1/9, नेगेटिव पावर देन 1/9 हो जाता है, x = 1/9 × −6/1, ये इधर करेंगे तो ये इंटू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
एक्स का पावर 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बाई वॉट नंबर शुड माइनस टू बाई थ्री बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट में बी 4/27 का पावर माइनस टू। ये भी सेम एज 11th नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है, बस उसमें था मल्टीप्लिकेशन और इसमें था डिवाइडेड। ठीक है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, उसके बाद माइनस टू बाई थ्री पावर माइनस थ्री, उसमें था मल्टीप्लाइड इसमें डिवाइड, डिवाइडेड बाई 4/27 का पावर माइनस टू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि इसमें हम लोग क्या डिवाइड करेंगे जो कि मेरा कोशेंट इतना आएगा, तो हम लोग एक्स को इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी ये नहीं, माइनस टू बाई थ्री पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 4/27 माइनस टू। ठीक, यहाँ से बाकी क्या होगा, ये नेगेटिव में पावर है तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 माइनस 3/2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/x, यहाँ पे 1/x हम लोग कर सकते हैं, इज इक्वल टू 27/4 का पावर 2, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3। यहाँ से माइनस 3/2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/x इज इक्वल टू 27/4 पावर 2। इसका हम लोग क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा 27/4 पावर 2, और ये इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा क्या मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 3, और इसका पावर ऊपर में 2 था माइनस 3 था, तो ऊपर का पावर माइनस 2 रहेगा, इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू क्या होगा 27/4 इंटू 27/4 इंटू माइनस 2/3 है 3 टाइम्स, तो माइनस 2/3 टू माइनस 2/3 इंटू माइनस 2/3। अब क्या होगा, 2 2 ज़ा माइनस 1, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा, यहाँ पे माइनस 1 और ये 2 2 ज़ा, यहाँ पे 1 या माइनस 1, क्या होगा 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 बाई 2, ऊपर क्या होगा माइनस माइनस तो प्लस, प्लस और माइनस तो माइनस, तो ऊपर होगा माइनस का साइन, तो माइनस 27/2, 1/x इज इक्वल टू माइनस 27/2। और फिर x और इधर होगा तो ये, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2/27, ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ 5/2x+1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो मेरा 125 आएगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले लिख लेंगे 5 2x+1 इंटू 1/25 इज इक्वल टू 125। ठीक है, इसको 1/25 कर दिया, इज इक्वल टू 5 2x+1 इज इक्वल टू, इस 25 को इधर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 125 इंटू 25, इस 25 को इधर लेके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 2x+1 इज इक्वल टू, ये क्या है 5 का क्यूब इंटू, ये क्या है 5 का स्क्वायर, इसको मतलब 5 के टर्म में स्प्लिट कर लेंगे, इज इक्वल टू 5 2x+1, अभी हम 5 5 दोनों कॉमन आ जाएगा तो 5 और पावर क्या होगा 3+2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 2x+1 इज इक्वल टू 5 का पावर 3+2 5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब देख रहे हैं ना कि इसके बराबर 5 है या फिर नहीं, तो हम लोग जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे LHS इज इक्वल टू RHS, देन उसके बाद क्या होगा 2x+1 पावर इज इक्वल टू पावर, दोनों सेम है या फिर नहीं, तो इसका पावर ये है और इसका पावर ये है, तो 2x+1 इज इक्वल टू 5 है या नहीं वो देखना है, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 1, क्योंकि प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस, 2x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू 4/2, ये 2 इधर जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, देन x इज इक्वल टू 2,
अब देखेंगे एक्स का पावर हो गया टू, तो यहाँ पे देयर फोर टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो टू इन टू टू प्लस वन इज इक्वल टू फाइव होता है कि नहीं। तो टू टू ज़ा फोर और प्लस वन, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि फोर प्लस वन फाइव इज इक्वल टू फाइव। हाँ, तो दोनों सेम आ गया, तो क्या होगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। आंसर।